So as is chapter 8 to 14, we will try to cover all the chapters. Now natural resources. From this chapter, first term में map आता है, लेकिन final term में, यानी कि तुम्हारे board exam में इसमें से map नहीं आता है, तो soils का generally नहीं आएगा, but फिर भी, we can't take chances, पांच ही जगह है, तो वो map आपको alluvial soil, red soil, ये सब जो soil हो, दिमाग में रखना, by chance अगर पूछे, तो hard तो है ही नहीं, ठीक है? तो इसमें फोर्थ लाइन में देखो रिसोर्स की डेफिनेशन है, पहले तो वो टिक कर लेना. द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम एंड मैन हैज फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम आर कॉल्ड रिसोर्स. रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, जो हम यूज करते हैं उसमें चीजें बनाते हैं और उसी चीज को यूज करके अपने आगे की कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसी चीजों को रिसोर्सेज बोलते हैं. मिनरल्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, देन कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सारी चीजें जो है वो एक तरह के रिसोर्सेज ही है. हम खुद इनफैक्ट एक ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है? नाउ दिस आंसर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज तीन मार्क में पूछा जाता है. रिसोर्सेज फूड है, फूड के तौर पे क्या क्या, तो जनरली फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, देन पोल्ट्री हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गया, ये सब खाने में यूज हुआ है, तो रिसोर्सेज फूड हो गया. सेकंड रिसोर्सेज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा सामान जो इंडस्ट्री में जाके उसमें से प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि यहाँ पे एग्रो प्रोडक्ट्स हो गए, वुड हो गया, हाइड्स हो गया, वुल हो गया, मीट हो गया, इन सबको प्रोसेस किया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है. एंड तीसरा एनर्जी रिसोर्स. एनर्जी यानी कि जो फ्यूल की तरह से जनरली यूज होता है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, देन बायोगैस हो गया, ये सारी चीजें ऐसा एनर्जी के तौर पे यूज किया जाता है. देन नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब भी इसमें आ जाता है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अगेन ये तीन मार्क में पूछा जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. दो के अलग टेबल ही दिए हैं और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले ओनरशिप, तीन चीज है इसमें. इंडिविजुअल के किसी अकेले की प्रॉपर्टी है वो, एग्जाम्पल जिसमें से पूछते हैं तो जमीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब किसी अकेले की हो सकती है, ठीक है? सेकंड नेशनल, जो पूरी कंट्री की है, पूरी कंट्री की वो रिसोर्स है, जैसे आर्मी हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ये सारी चीजें पूरा कंट्री को लगता है, ठीक है? एंड थर्ड ग्लोबल, जो दुनिया भर में हर एक के लिए, ऑल फिजिकल एंड नॉन फिजिकल रिसोर्स विच आर यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इंसानों की भलाई के लिए जो यूज होता है, तो वैसे रिसोर्सेज, जैसे रिसोर्स ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ नेशंस टू द वर्ल्ड, वाटर हो गया, ये सब जो है, ये सब पूरे जगत में जहां पे भी, अगर एक रिवर का पानी दो कंट्री से बह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक ही कंट्री यूज करेगी, दोनों के लिए वो हो जाता है. सेकंड है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, यहाँ की कौन कौन से चीजों में बटा हुआ है. तो पहला यूनिवर्सल रिसोर्स, हर जगह देखने मिलेंगे ऐसे रिसोर्सेज है, जैसे यूजफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब दुनिया भर में हर जगह पे है, पूरे यूनिवर्स में. सेकंड जनरली अवेलेबल रिसोर्स, जो इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी आराम से मिल जाता है, कोई भी कंट्री में मिल जाता है, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, पेस्टल लैंड, हर जगह ये सब तो होता ही है. रेयर रिसोर्सेज, जो लिमिटेड प्लेसेस पे होता है, हर जगह नहीं होता बट लिमिटेड पे होता है, जैसे मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा. और सॉलिटरी यानी कि बहुत हार्डली कहीं पे मिलता है, एकल दुक्कल जगह पे ही होता है, तो वैसा जैसे मिनरल अवेलेबल एट ओनली वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में, जैसे क्रायोलाइट है विच इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन द ग्रीन लैंड. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू इन सब में आ सकते हैं. तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें री अवेलेबिलिटी के ऊपर है, यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो वापस से यूज करके आ सकते हैं, जैसे सनलाइट हो गया तो वापस उसको कितना भी यूज कर खत्म नहीं होगा, विंड एनर्जी हो गया, तो ऐसे रिसोर्स को बोलेंगे रिन्यूएबल. जबकि ऐसे रिसोर्स जो एक बार यूज करेंगे वापस से वापस आने वाले नहीं है, जैसे कोल, पेट्रोलियम हो गया, उसका बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है? तो इसमें दो डेफिनेशन आपको लिखनी रहती है. प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स, तो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स है, तो ये देखना है, इस पॉइंट में ये बताया गया कि किस तरह से हमको रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए. बेसिकली सबका एक ही चीज है, रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करो, जितना जरूरत है उतना ही जुडिशियसली यूज करो, ऐसे यूज करो कि उसका वेस्ट ना हो, जितनी जरूरत है उतना ही प्रोडक्शन करो, एक्सेस मास प्रोडक्शन करके भी कोई फायदा यहाँ पे नहीं है. इस तरह से यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारा बचा रहे. प्लानिंग करो कि कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से यूज करो. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स मेंशन इन दिस प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि इन इन तरह से अपने यूज कर सकते हैं. और हर चीज में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक साथ सब कुछ निकाल नहीं लेना है, हमको हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस सब सारे पॉइंट्स का आप देखोगे तो पढ़ोगे तो आपका यही सब निकलेगा. ऑल्टरनेटिव यूजेस होने चाहिए, ये सब भी पॉइंट्स अंदर है. सॉइल फॉर्मेशन, टू मार्क्स के लिए पूछा जाता है सॉइल फॉर्मेशन. तो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मिट्टी बनती कैसे है, तो मेन एक रॉक में से उसका जब डिनंडेशन होता है, डिनंडेशन यानी कई सारे फैक्टर्स होते हैं
जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट जब उस रॉक पे बरसों तक गिरती रहती है, गिरती रहती है, उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, फिर पानी अंदर भरता है, उसकी वजह से क्रैक और वाइडन होता है, देन विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे फैक्टर्स से मिली जुली सरकार बना के फाइनली छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, जिसको अपने बोलते हैं सॉयल। ठीक है, तो मेन जो कंपोनेंट होता है अलग अलग जगह के अलग अलग पेरेंटल रॉक जिसको बोलते हैं, उसमें से सॉयल जो है वो बनता है, अल्टीमेटली ये वेजिटेशन जब उसमें मिक्स होता है तो ये एक उपजाऊ सॉयल बन जाता है। तो सॉइल में अगर ह्यूमस कंटेंट आ जाए, यानी डेड बॉडीज आ जाए, प्लांट्स आ जाए, ये सब अगर आ जाए, तो सॉइल वो उगने के लिए, यानी कि उगाने के लिए, प्लांट्स के लिए एक फेवरेबल बन जाता है। तो इसी के बेस पे यहाँ पे कुछ पांच आठ तरह के सॉइल है, टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसको आठ तरह में बांटा किसने, तो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने आठ तरह के सॉइल में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेवरेबल है वो अलूवियल सॉइल है, 43% के आसपास कुछ है, देन रेड है, ब्लैक है, लेटराइट है, डेजर्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट, मार्शी, ये सब है। तो हर एक की शॉर्ट नोट, जिसमें इसमें तीन शॉर्ट नोट आपको बखूबी से करनी है, अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। ठीक है, अलुवियल का परसेंटेज 43% है, कहां से कहां तक है वो आपको देखना है। रिवर डेल्टास, डेल्टास का मतलब जहां पे रिवर का पानी जमीन से होते 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 ओशन में मर्ज करता है, तो जो एंड मार्क होता है जहां पे ओशन में मर्ज करने वाला होता है, उसको डेल्टा रीजन बोलते हैं। तो वहां पे सॉइल का डिपोजिशन काफी ज्यादा होता है, खासकर जो गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी ऊपर से जो पहाड़ों से रिवर्स बह के आती है, वहां का जो सॉइल होता है वो भी काफी इसमें सूटेबल रहता है। अब इसमें अगेन दो टाइप के सॉइल होते हैं, खादर सॉइल ने बांगर सॉइल। बांगर सॉइल पुराना सॉइल होता है और खादर जो न्यूअर सॉइल होता है, जिसके ऊपर डेवलप होता रहता है। तो दोनों ही उपजाऊ यानी कि फर्टाइल सॉइल रहते हैं। खास चीज जो इसमें आपको करनी है वो सेकंड लाइन में नेक्स्ट पेज पे, यानी कि 62 पे सबसे ऊपर सेकंड पेज पे देखो, देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल, क्या है ज्यादा और क्या कम है, वो दोनों चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। एंड देयर इज लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, नाइट्रोजन कम होता है, ह्यूमस कम होता है इसमें। पल्सिस इसमें ग्रो कर सकते हैं, नाइट्रोजन रीइंस्टेट हो जाएगा, यानी क्योंकि पल्सिस को नाइट्रोजन चाहिए नहीं, तो पल्सिस जब उगाएंगे तो नाइट्रोजन की जो खपत है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाती है। कौन कौन से क्रॉप इसमें उग सकते हैं, तो वो है इसमें जनरली, वो तो याद रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे क्रॉप इसमें आते हैं। रेड सॉइल 19% है, कहां से कहां तक है, तो तमिलनाडु से बुंदेलखंड नॉर्थ में राजमहल अप टू कच्छ तक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में देखो तो वहां पे 679 में लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल, ये नहीं होता। दूसरा, इसका लाल कलर क्यों होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रेड कलर होता है। और डेफिशिएंसी किन चीजों की होती है इसमें, तो लाइम नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, फॉस्फेट नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, पोटेश नहीं होता इसके अंदर, तो बहुत सारी चीजें इसमें नहीं होती है, तो रेड कलर फेरिक ऑक्साइड की भरमार होती है। सबसे लाइकली टू बी आस्क्ड शॉर्ट नोट है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को रेगुड सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। 15% के टोटल एरिया इंडिया में फैला हुआ है ये सॉइल, और डेकन लावा यानी कि लावा रॉक्स में से ये बना हुआ है सॉइल, इसलिए ब्लैक कलर का ये होता है। तो स्टेट्स वहाँ है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, इन सब में मिलता है, गुजरात में भरूच, नर्मदा, वडोदरा, इन सब में है, लावा रॉक से बना हुआ है, और क्लाइमेट इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। उसी ब्लैक सॉइल का जो डायग्राम है उसके नीचे वाली लाइन है वो टिक कर लेना, देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, इट इज कंसिडर्ड क्वाइट फर्टाइल सॉइल। अलुवियल के बाद अगर कोई फर्टिलिटी में है सॉइल तो वो ये है, ब्लैक सॉइल है। ठीक है, दिस सॉइल ऑल्सो हैज द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इस सॉइल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, इसके अंदर मॉइस्चर रहता ही रहता है। व्हेनेवर द मॉइस्चर ड्राइज अप, जब मॉइस्चर सूख जाता है, खासकर गर्मियों के दिनों में, तो ऊपर जैसा डायग्राम में दिखाया वैसा हो जाता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसको फिशर्स कहा जाता है। ठीक है, और कौन कौन से क्रॉप, तो सबसे ज्यादा ये सारे क्रॉप तो उगते ही है, बट कॉटन के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। लेटराइट सॉइल का दूसरा नाम है पटखाऊ सॉइल, वो भी लिख पाया था आप लोगों को, इसमें दिया नहीं, बट पटखाऊ सॉइल है। लेटराइट में दो वर्ड है, लेटिन वर्ड, लेटर का मतलब होता है ब्रिक और ब्रिक का कलर होता है रेड कलर, तो अगेन इसमें भी आयरन ऑक्साइड है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की भरमार है यहाँ पे। व्हेन दिस सॉइल बिकम वेट, ये इसी कैरेक्टरिस्टिक है, ये पॉइंट आना ही चाहिए, जब ये सॉइल गीला होता है तो बटर जैसा स्मूथ होता है, और जब ये ड्राई हो जाता है तो एकदम हार्ड, ईंट जैसा एकदम हार्ड हो जाता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसके अंदर सिलिका मिक्स रहता है। और सेकंड लास्ट पॉइंट इसमें, द सॉइल कंटेन मोर ऑफ आयरन, पोटेश एंड एल्यूमिनियम, ये ज्यादा होता है, और ये लेस फर्टाइल होने के बावजूद में कॉटन, पैडी, रागी, शुगर केन, टी, कॉफी, कैश्यू एक्सेट्रा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर यूज करने के बाद, वैसे तो इतना ज्यादा कोई उपजाऊ सॉइल है नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर डालेंगे तो यहाँ पे उग जाता है।
देन डेजर्ट सोयल, तो ये एरिड एंड सेमी एरिड यानी कि जहां पे बरसात एकदम ही ना गिरती हो या थोड़ी बहुत बरसात गिरती हो वहां पे ये काम लगता है। सैंडी एंड इनफर्टाइल सॉयल रहता है, इसमें ज्यादातर मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं यानी सॉल्ट्स काफी ज्यादा होते हैं इसके अंदर। राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब जैसे स्टेट्स में है, गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र में है ये। एंड इसमें मिलेट, ज्वार जैसे कोर्स ग्रेन्स को ही उगाया जा सकता है, बहुत ज्यादा कुछ खास उगता है नहीं यहाँ पे। माउंटेन का हाइट जनरली हिमालय माउंटेन है वहां पे उगता है, 27-3000 मीटर्स की हाइट पे उगता है। दार्जिलिंग, आसाम, उत्तराखंड ये सब स्टेट्स के आपको नाम लिखने हैं। और कौन कौन से टाइप के ट्रीज, तो पाइन एंड चिट टाइप ऑफ ट्रीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा उगते हैं, कोनिफरस ट्रीज इसको बोलते हैं। देन फॉरेस्ट सॉयल अगेन, तो ये उससे भी माउंटेन से ऊपर की जो हाइट होती है वहां पे 3000-3100 मीटर की हाइट पे मिलते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट पे। सह्याद्री नीचे साउथ में जो है जिसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और ईस्टर्न घाट्स पे तराई रीजन ऑफ हिमालय, इन सब जगहों पे ये मिलता है आपको। ये खासकर इसमें फॉरेस्ट में पूछा जाता है, वेयर आर द फॉरेस्ट सॉयल इज फाउंड, तो ये सब आपको नाम लिखना है। Then the surface of the earth is covered with the shaded leaves of the tree and the upper part of the land become black. अब ये खास क्योंकि पत्ते जो गिर जाते हैं तो ऊपर का पूरा काला काला हो जाता है क्योंकि जमीन पे पत्ते गिरते सड़ने लगते हैं, इसलिए वहां का जो कलर है ना फॉरेस्ट सॉइल का वो जनरली काले कलर का होता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ब्लू और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। टी, कॉफी, स्पाइसेस वगैरह सब उगाया जा सकता है इसमें, मीट, वीट, मेज, बार्ली ये सब भी उगाते हैं थोड़ा बहुत, बट ये सॉइल बहुत ही कम क्वांटिटी में यानी कि लिमिटेड जगहों पे ही है, सब जगह पे नहीं है। एंड मार्शी एंड पीटी, तो जनरली ये जो है अपने कोस्टल एरियाज जो होते हैं जैसे कि अपना सुंदरबन एरिया टाइप्स होते हैं तो वहां पे यानी कि कीचड़ वाला जो एरिया होता है वहां पे ही ज्यादातर ये पाया जाता है। नॉर्दर्न बिहार, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, वेस्टर्न वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल तमिलनाडु, इन सब जगह यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेस में बायोटिक होता है, मरे हुए प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत भर भर के होता है इसमें, इस सॉइल में। तो दीज आर योर 8 टाइप ऑफ सॉइल्स। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का डेफिनेशन आपको लिखना है कि रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय विंड, वाटर और एनी अदर फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉइल इरोजन। जो ऊपर की फर्टाइल लेयर जो निकल जाती है इस चीज को बोलते हैं सॉइल इरोजन। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते, तो उसकी रेमेडी दिए, 2 मार्क में पूछते हैं इसकी रेमेडी को। तो ग्रेजिंग एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, जो गाय बकरी भैंस जो चढ़ते रहते तो सॉइल को लूजन आउट कर देते, उससे भी सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। प्लांटेशन कैरी आउट करना चाहिए कॉन्टोर मेथड, कॉन्टोर यानी कि स्लोपी मेथड में। देन ट्री प्लांट इन फेलो लैंड, जहाँ पे अनकल्टिवेटेड पूरा बंजर जमीन है वहां पे प्लांटेशन करना चाहिए ताकि हवा इन सब के रुख को रोका जा सके। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर इज अ स्ट्रीम, जहाँ पे बहता हुआ पानी हो वहां पे चेक डैम बना दो, पानी रुकेगा तो पानी को फर्टिलाइजर आई मीन कल्टिवेशन में काम लगा सकते हैं। एंड कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर, एकदम डीपली सोइंग करने का प्लांटेशन जब भी करे ताकि वो जड़ से मजबूत रहे और छोटी मोटी हवा के बहाव में बह नहीं जाए ऐसा, तो ये कोई मेथड है। एंड सॉइल कंजर्वेशन, के सॉइल को मेंटेन रखना है, जमीन पे जो सॉइल है उसको मेंटेन रखना है, किसी तरह से ओढ़ नहीं जाए, बह नहीं जाए, पानी में चला नहीं जाए। तो सॉइल कंजर्वेशन मीन्स अ प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड्स है, तो वो यहाँ पे है। तो रेमेडी ऑफ सॉइल कंजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके आर ऑल्सो बी आस्क इन 2 मार्क्स। द रूट ऑफ द फॉरेस्ट कवर होल्ड्स अप द सॉइल पार्टिकल, द प्लांट ट्री इन द रिवर गॉजेस ऑन द माउंटेन स्लोप, सीरीज ऑफ ट्री शुड बी ग्रोन नियर डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया ताकि फैले नहीं, तो डेजर्ट के बॉर्डर्स पे होता है खास करके वहां पे प्लांटेशन करना चाहिए, तो एडवांसिंग डेजर्ट से स्टॉप हो सकता है ताकि विंड की वेलोसिटी कम हो। जो पूरा खाली जगह होगा ना वहां पे विंड काफी तेजी से बहेगी, तो खाली जगह नहीं रखनी हमको, सिंपली प्लांटेशन कर दो। द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल बाई डाइवर्टिंग द फ्लो इन द अदर रिवर इन द ड्राई रिवर बेड, जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती है जहां पे हमेशा फ्लड्स आती रहती है उन रिवर्स के पानी को दूसरी जगह चैनलाइज कर दो जहां पे पानी की कमी है। द अनरिस्ट्रिक्टेड पैसरिंग लूजन द सॉइल, अनरिस्ट्रिक्टेड यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कैटल्स को अगर चढ़ाने लेके जाते हैं सब वो गवारे जो होते हैं ना, तो वहां पे उस पर्टिकुलर जगह की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है, सॉइल जो था वो लूज हो जाता है वहां पे। मेथड्स लाइक ये खास ध्यान में रखना, हॉरिजॉन्टल कल्टिवेशन, टेरेस फार्म एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। हॉरिजॉन्टल कल्टिवेशन यानी कि स्ट्रेट इस तरह से, टेरेस फार्म यानी कि ऊपर थोड़ा हाइट पे, तो वैसे फार्म क्रिएट करने चाहिए। ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू सॉइल विच हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, जो सॉइल में अपनी फर्टिलिटी खो दी है, जो बंजर जमीन हो गई है वहां पे ह्यूमस, ह्यूमस यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह वहां पे डालना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्यूअर वहां पे डालना चाहिए ताकि वो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन कर सके। तो ये कुछ चीजें हैं इसमें। नाउ चैप्टर नंबर 9, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगेन इसमें से आपका एक मैप फिलिंग में जरूर से आता है, चाहे तो नेशनल पार्क, सेंचुरी या बायो रिजर्व, इसमें से जरूर से एक आता है, ठीक है।
तो फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, वर्जिन वेजिटेशन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे इन नेचुरल वेजिटेशन ओनली दैट वेजिटेशन इज इंक्लूड व्हिच हैज बीन रेज्ड नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ मैन, जो इंसानों ने नहीं बनाया, कुदरती तौर पे उग गए थे, उसको बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन ऐसा। तो ऐसे कहाँ कहाँ पे, तो हिमालय, सुंदरबन, रिमोट एरिया ऑफ थार डेजर्ट, ये सब जगह पे वर्जिन वेजिटेशन है जो अभी तक नहीं है यूज में। अब यहाँ पे ये सवाल पूछा जाता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो तीन तरह के फॉरेस्ट है, रिजर्व है, प्रोटेक्टेड है, अनक्लासिफाइड है। रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में डायरेक्ट है, यहाँ पे टोटली रिस्ट्रिक्शन है, लंबरिंग, लंबरिंग यानी वुड कटिंग नहीं कर सकते, कलेक्शन ऑफ वुड वहां नहीं कर सकते, पैस्चरिंग ऑफ गाय बकरी भैंस को चराने नहीं लेके जा सकते, तो ये हो गया तुम्हारा रिजर्व फॉरेस्ट में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को प्रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो लोग इसकी देखभाल करते हैं, होता डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल आउट करती है। लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज देयर एनिमल विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज, वहां पे कुछ हद तक अलाउड है, ग्रेजिंग एक्टिविटी भी अलाउड है वहां पे, और फॉरेस्ट कटिंग कुछ हद तक अलाउड है। जबकि अनक्लासिफाइड यानी भी ये फॉरेस्ट अभी तक किसी भी श्रेणी में आते नहीं है, कोई इसका देखभाल करता नहीं है, यहाँ से वुड कटिंग वगैरह सब कुछ किया जा सकता है, कोई भी है नहीं यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शंस। और दूसरा क्लासिफिकेशन तो फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तीनों तीन का कंबाइन, तो ये भी तुम्हारा 3 मार्क में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ओनरशिप में, तो स्टेट के जो अंडर में आता है वो, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेस्ट, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर फॉल्स इन द कंट्री ऑफ द कंट्री फॉल्स इन दिस, ज्यादातर जो फॉरेस्ट है अपनी कंट्री के वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट उसको हैंडल आउट करती है। दूसरा कम्युनल फॉरेस्ट यानी कि जो लोकल गांव के पास के जो कोई फॉरेस्ट होता है तो वो, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सब इन फॉरेस्ट को कंट्रोल करते हैं। तीसरा प्राइवेट फॉरेस्ट, किसी इंडिविजुअल के नाम पे होता है ये फॉरेस्ट, सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन कर लेना ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल, तो यहाँ पे फॉरेस्ट को गवर्नमेंट के पास से खरीदा होता है किसी पर्टिकुलर ओनर ने। सम ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ दिस टाइप आर इन हैबिटेट कंडीशन और सम ऑफ देम आर टोटली बैरन, तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही होगा ऑब्वियसली, और उसको रॉ मटेरियल उगाने के लिए, जैसे यूकेलिप्टस ट्री है तो वो यूकेलिप्टस ट्री उगा उगा करते हैं, अल्टीमेटली वो जगह तो अपनी ही है तो उगा उगा करते हैं, फिर एक टाइम आता है कि वो यूकेलिप्टस ट्री उगते ही नहीं वहां, तो वो पूरी जमीन जो है बंजर हो जाती है। तो ऐसी चीजें होती है जब प्राइवेट फॉरेस्ट होते हैं तब। दिस कैन बी आस्किंग 2 मार्क डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट जंगल को काटना जिसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, कटिंग ऑफ द ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, दुनिया भर में ये तो भाई प्रॉब्लम है ही। इट कैन बी सेड दैट टिकल एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन, डिस्ट्रक्शन का मतलब है प्रोग्रेस हो रहा है। अब ऐसा कैसे बोल सकते हैं फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, फॉरेस्ट कट करके जितने भी रॉ मटेरियल वुड जो भी है वो कहाँ जाता है, इंसान अपनी चीजों की, अपनी इस्तेमाल की चीजों बनाने में काम लगता है, इसलिए बोलते हैं कि इंसानों का प्रोग्रेस हो रहा है, जितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है उतना इंसानों का प्रोग्रेस हो रहा है। इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू एंड फॉल्स में आता है। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली ऑल्सो, हाउएवर इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंसान इसको सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, नेचुरल तरह से भी आग लगती है, फॉरेस्ट फायर होती है, लाइटनिंग की वजह से सब होता है, लेकिन वो काफी कम अमाउंट में रहता है, जबकि ये इंसानों के द्वारा जो होता है वो काफी ज्यादा रहता है। इम्पैक्ट तो भाई क्या क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सॉइल इरोड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, हमको पता ही है कि क्या क्या होता है, जंगली जानवर अपना घर खो देते हैं, अबॉर्ट्स यानी कि घर, अबॉर्ट्स पानी की तंगी, वाटर की तंगी, और ऐसा अगर होता है तो जंगली जानवर जंगल से छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स पे आ जाएंगे, वहां पे फिर कंफ्लिक्ट होगा, मरेंगे फिर। तो यहाँ पे रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये तुम्हारा आंसर है, बहुत सारे पॉइंट्स है, कोई भी तुम्हारे तीन या चार पॉइंट आप लोगों को लिखने रहते हैं बहुत बहुत, तो इसमें क्योंकि ये 2 मार्क में पूछा जा सकता है, तुम्हारे 9 चैप्टर से इसमें कुछ ज्यादा आता नहीं है, तो इसको भाई पढ़ लेने का। रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह, फायरवुड की जगह पे सोलर एनर्जी, ये सब यूज करना है, बहुत ही बेसिक से पॉइंट है। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 मार्क का है, अलग अलग तरह के जानवर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उसके ऊपर है, 3 मार्क में वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी करना ही करना है, पूछते ही है इसमें। टोटल 81251 स्पीसीज है, 15 लाख स्पीसीज वर्ल्ड में है, जिसमें 81251 इंडिया में पाई जाती है, इंडिया 12 नंबर पे आता है बायोडाइवर्सिटी में, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पे एनिमल्स, दुनिया भर के एनिमल्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे दुनिया भर का दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश एनिमल कौन है, रेड पांडा वगैरह सब ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं, ये सारे आपको याद करना है, और एग्जाम में पूछेंगे तो 3 मार्क में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दे दो, कम से कम तुम लोग को 6 से 7 एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली देना पड़ेगा इसमें, तो 3 मार्क आराम से मिल जाएगा आपको।
वाइल्ड लाइफ एंड एक्सटिंक्शन, तो अगेन कि क्यों वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, अगेन ये 3 मार्क या 2 मार्क में पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये एक सेकंड लाइन में तुम्हारा पॉइंट निकल है। इधर अंबाजी एंड डांटा गुजरात में, यहाँ पे देखो तो ये 3 जगहों पे टाइगर्स बहुत थे, लेकिन अब यहाँ पे भी कम एकदम हो चुके हैं। चीता तो बेचारा अब निकल ही गया ऐसा बोला जाता है ही नहीं, एक्सटिंग। अपने टेक्स्ट बुक ही फॉलो करनी है भाई, मोदी लाया है वो सब वो भूल जाओ, काना में आया ना अभी चीता तो वो भूल जाओ, उसको कुछ नहीं। प्रेजेंट सिचुएशन पूछ के अगर कोई क्वेश्चन लिखे तो बात अलग है, अदरवाइज चीता इज टोटली एक्सटिंग फ्रॉम इंडिया। वल्चर, डक विद पिंक थ्रोट, क्रेन, चिलोत्रो, एलिगेटर्स, गंगा रिवर डॉल्फिन, जल बिलाड़ी, वाटरफॉल, ये सब आपको भाई अंदर नाम आने चाहिए। ये सब एक टाइम पे दिखते थे, बट अब ये सब मेरे कोई भी दिखते नहीं है, बहुत कम दिखते है ऐसा। रीजन क्यों ऐसा हो गया था, सबसे पहले इंसानों की लालच, ग्रीड, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए लकड़े के लिए फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंसानों की, आई मीन जानवरों की हाइड्स, दांत, उनके हॉर्न, स्किन, दवाइयां, ये सब बनाने के लिए। तो बहुत सारे रीजन है इसमें भी, आपको ये भी देख रहे हैं। ग्रेजिंग एक्टिविटी, रेड पांडा, इसमें भाई देख लेना रेड पांडा क्या क्या खाता है, उसका बाम्बू स्प्राउट, एग, छोटे छोटे बर्ड्स खाता है रेड पांडा। कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, अभी तो दिन में तो काफी कम एक्टिव होता है, और इंडिया के अलावा चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार में भी ये मिलता है। मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे बचे रहे, तो जो जो चीजें हमने की है उसको कम कर दें, हंटिंग कम कर दें, डिस्ट्रक्शन कम कर दें, जो जो हम करते आ रहे हैं, जो रीजन है उसका ही अपोजिट आंसर है तुम्हारा पढ़ने का इसको। गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में लिखना है, ब्रह्मपुत्र और गंगा में काफी ज्यादा पाई जाती है, डीप एंड काम वाटर फ्लो था वहां पे जनरली थी, अभी तो वहां कम हो गई है, और इसको सुसू साउंड करती है ये, इसलिए इसको सॉन सुसू या सुइस के नाम से भी बोला जाता है डॉल्फिन को। नेपाल बांग्लादेश के रिवर्स में काफी ज्यादा पाई जाती है, और गंगा रिवर में पहले पाई जाती थी बट अब काफी ज्यादा कम हो गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम्स, कई सारी स्कीम है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क में पूछा जाता है। 40,000 टाइगर 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में थे, लेकिन उसके बाद इलीगल हंटिंग, डिफोरेस्टेशन की वजह से काफी कम हो गए थे, एंड 1971 में प्रोजेक्ट शुरू किया टाइगर को बचाने के लिए, एंड आज की डेट में टाइगर की अमाउंट, आई मीन जो नंबर है वो भी काफी बढ़ चुके हैं, एंड 44 रीजन में टाइगर है। कितने हो गए टाइगर्स अभी इंडिया में, चौपल 2 2 2 2 2, अगर बाई चांस पूछे तो 9th में फिगर था। देन भाई लेपर्ड है, लेपर्ड का जो कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन स्टेचर में सबसे छोटा होता है ये लेपर्ड, इससे बड़े बड़े भी हैं, लायन टाइगर काफी बड़े होते हैं, पैंथर काफी बड़ा होता है, ये लेपर्ड में उसका बड़ा भाई है ब्लैक पैंथर थोड़ा, ठीक है। और कभी कभी लेपर्ड को चीता भी घोषित कर दिया जाता है, जो कि दोनों ही डिफरेंट ही है थोड़े हैं। चीता नीचे दिया हुआ है, अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, अपने इंडिया में जू में देखा जाता है, बाकी जनरली है नहीं। एलिफेंट प्रोजेक्ट वेरी बड़ा, 1992 में है, 26 प्रोटेक्टेड जोन्स हैं, और सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये अपने माइग्रेटरी कॉरिडोर्स, एलिफेंट्स को अगर देखोगे तो अपने पूरे मैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो करते हैं एलिफेंट्स, यानी अपने मम्मी साइड के साथ के सब झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। देन राइनो प्रोजेक्ट, तो ये तो अपना 2020 ईयर तो निकल गया, अगर पूछे तो ध्यान में रखना कि राइनो विजन 2020 तक 3000 राइनोस करने का टारगेट था, जो कि ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। 119 ज्यादातर सुंदरबन, वेस्ट बंगाल एरिया में पाए जाते हैं, आसाम में भी ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में थे। इनके हॉर्न से मेडिसिन बनाई जाती है, इसलिए इनका हंटिंग बहुत ज्यादा होता था। देन क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, तो क्रोकोडाइल है एलिगेटर स्पीसीज, दो अलग अलग होते हैं, एक चौड़े मुंह वाला, एक पतले मुंह वाला। तो स्पीसीज ऑफ एलिगेटर विच इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर एंड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन द डिकेड ऑफ 1970, तो 1975 में याद रखना, 1975 में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये लिखा नहीं अंदर, लिखना हो तो लिख लेना, 1975 में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1975, और किसने शुरू करवाया था, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाया था, तो ये याद रखना, इसमें दिया नहीं है। उसके बाद वल्चर प्रोजेक्ट 2004 में 9 सबस्पीसीज ऑफ वल्चर को बचाया जा रहा है, ये तो बेचारा डेड बॉडी खाता है, क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर है, क्योंकि ये डेड बॉडी को साफ करता है, ये सारे पॉइंट्स हैं। स्नो लेपर्ड है, 3,000 मीटर की हाइट के ऑल्टिट्यूड पे मिलता है, व्हाइट कलर का होता है ये, एंड ईयर 2000 में इसका स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट को। इसके अलावा कश्मीरी हंगुल, रेड पांडा प्रोजेक्ट, मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट, डियर, ये सब, गंगा रिवर डॉल्फिन, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स और भी चलते आ रहे हैं। फ्रॉम दिस चैप्टर सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, तीनों तीन में से एक डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है, तो 3 दिन करने का। इन 3 दिन का बेसिक कंसेप्ट ये है कि सेंचुरी सबसे छोटा एरिया होता है,
उससे थोड़ा बड़ा एरिया नेशनल पार्क होता है और बहुत बड़ा एरिया बायो रिजर्व होता है। बायो रिजर्व इतना बड़ा एरिया होता है ना कि उसमें 10-12 सेंचुरी भी आ सकती है, इतना बड़ा एरिया होता है ये बायो रिजर्व। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन सेंचुरी में कम है, यहाँ पे कुछ हद तक ग्रेजिंग हो सकती है, कुछ हद तक बोलते हैं ना कि ह्यूमन पार्टिसिपेशन हो सकता है, ये सब है। नेशनल पार्क में परमिशन लेके जाना पड़ता है, जबकि बायो रिजर्व में टोटली रिस्ट्रिक्टेड। बायो रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, 5,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये हो सकता है। और सेंचुरी जो होता है स्टेट गवर्नमेंट जनरली हैंड ओवर करती है, जबकि नेशनल पार्क सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं। एग्जाम्पल्स काफी सारे दिए हुए इसमें, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमती, ये सब इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व है नेशन की। और अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात वॉज डिक्लेयर बायो रिजर्व इन 2008, याद रखना 2008 में रन ऑफ कच्छ को घोषित किया था। गुजरात में एक ही बायो रिजर्व है। तो ये नीचे का जो है ब्लू कलर में बराबर याद करना है कि इंडिया में 18 बायो रिजर्व है जबकि गुजरात में एक है। नेशनल पार्क 103 है जबकि गुजरात में 4 है, एंड सेंचुरी 531 है जबकि गुजरात में 23 है। तो ये याद रखना है। फिर है ना तारो, ये बिल्ली जैसा दिख रहा है, वो एंटीना जैसे इसके कान होते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। डुगंग यानी कि सी काव है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेने का। इनमें तो ऑब्जेक्टिव होता है, पूरी बड़ी शॉर्ट नोट के राइटर शॉर्ट नोट डुगंग ऐसा सब नहीं पूछते इसका। अब 10 चैप्टर भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 मार्क के 2 आंसर आते हैं, जिसमें पहला ही तुम्हारे पेज पे दिखेगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसिस्टेंस, ड्राई, वेट, शिफ्टिंग, प्लांटेशन, इंटेंसिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है और इजी भी है, 2 बार पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। ये 4 मार्क में ये एक आंसर का चांसेस ज्यादा है। ये नहीं आया तो इसके बाजू वाला है फार्मिंग मेथड। 3 तरह की फार्मिंग मेथड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग। ये छोटा सा आंसर भी 4 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग से 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पता ना, बिना यूज किए फर्टिलाइजर इन सबके फार्मिंग जो की जाती है, इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, सब अच्छा ही होता है इसमें। इसमें 2 चीजें याद रखना, ऑर्गेनिक में सेकंड पैराग्राफ देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ द फार्मिंग इन विच यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड आर नॉट यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, टिकल एंड डंग यानी गोबर, अर्थवर्म फर्टिलाइजर यानी कि वर्मी कंपोस्ट एंड कंपोजिट फर्टिलाइजर आर यूज्ड एंड काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट एंड बटर मिल्क यानी छास आर यूज्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें यूज की जाती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये सारी चीज याद रखना, क्रॉप में क्या डाला जाता है और उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या डाला जाए, दोनों ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके बाद भाई नीचे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप। जनरली खरीफ रबी बोलते हैं, साथ में जैद अगर पूछ ले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। खरीफ क्रॉप जो है मानसून क्रॉप है, वो विंटर क्रॉप है और वो समर क्रॉप है। सीजन लिखी है जून जुलाई अक्टूबर नवंबर, वहां अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल और लास्ट में है मार्च टू जून, और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। खरीफ क्रॉप में इरिगेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बरसात का पानी इनफ होता है, रबी में थोड़ा बहुत रिक्वायर रहता है जबकि जैद में बहुत ज्यादा रिक्वायर रहता है। मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप में तो भाई सबसे पहले पैडी आता है और वीट आता है, इन दोनों को बराबर से कर लेना। बिफोर दैट यहाँ पे पैडी का डायग्राम देख लेना भाई, बोर्ड में डायग्राम पूछा 2020 में डायग्राम दिया था, आइडेंटिफाई द क्रॉप एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। बहुत लोग इसमें वीट ठोक के आए थे, तो ये पैडी है। कैसे पता चला पैडी है? पानी वाला, वेरी गुड, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। वीट को पानी में नहीं रखते, पैडी को पानी में रखते, तो ये लोग मिस कर गए थे और इसलिए पैडी लिख दिया था। दिखने में पैडी जैसा दिखता है ना ये, इसीलिए ऐसा है, आई मीन वो वीट जैसा दिखता है इसलिए ऐसा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर देखने का, ये पानी में से निकाला है तो ये पैडी है। तो भाई बहुत सारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, पैडी और वीट की शॉर्ट नोट है, वीट की काफी बड़ी है, दोनों शॉर्ट नोट 4-4 मार्क में पूछी जाती है, तो एक एक पैराग्राफ ही और इजी है पढ़ने का। इसके बाद है जोवा है, मिलेट है, मेज है, पल्सिस है। मेज में यूजेस पूछते हैं, 2 मार्क में डाइजेस्ट में आंसर दिया हुआ है, तो कॉर्न बनता है इसमें से, ऑयल बनता है इसमें से, ये सारी चीजें हैं, वो एनिमल फॉडर बनता है, तो ये मेज के यूजेस में ये सब आएगा। और दूसरी एक शॉर्ट नोट 4 मार्क में, तो ऑयल सीड्स, ऑयल सीड में ग्राउंड नट, सीसम, मस्टर्ड, कोकोनट, कैस्टर, ये सब आपको पूछा जाएगा। तो इसमें सभी का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना है, ऑयल सीड्स का 4 मार्क में पूछी जा सकती है। तो अभी तक 5 शॉर्ट नोट हो गई है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग मेथड्स, वीट, पैडी, ऑयल सीड, ये सब 4-4 मार्क में आ ही रही है। इसके अलावा बोर्ड में ये भी दिया था, टी कॉफी एंड कोको, इसको बोलते हैं बेवरेज, पीने की चीज है। ठीक है, तो ये भी अगर डायग्राम देंगे, ये भी पूछा था बोर्ड में,
तो ये अगर डायग्राम देंगे तो आपको समझ जाना है टी कॉफी एंड कोको का देना है। इन सभी क्रॉप्स में आपको जो देना है वो सबसे पहले कौन से एरिया में उगता है, कौन सा सॉइल लगता है, कितने टेम्परेचर पे उगता है, कितनी बरसात चाहिए, ये सब लर्न करना पड़ेगा आपको। काफी टिपिकल, काफी लंबा चैप्टर है याद करने के लिए। देन कैश क्रॉप, कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जिसका खेती बाड़ी बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है और उसको बेचकर काफी ज्यादा कैश यानी कि पैसा उसमें मिलता है। तो जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, टबैको हो गया, रबड़ हो गया, कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्लावर, ये सभी कैश क्रॉप कैटेगरी में आते हैं। सभी लर्न करना है आपको सब कुछ। जैसे जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, तो ये सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर आना चाहिए। तो जनरली कैश क्रॉप की चार बाकी शॉर्ट पूछते नहीं है, बट टू शॉर्ट नोट्स, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशन दोनों में से एक अगेन फिक्स बोर्ड में पूछते ही पूछते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स या तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दोनों ही में से एक जरूर से पूछते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। देन ग्रीन रेवोल्यूशन कैन बी आस्क इन टू मार्क्स, दो मार्क में पूछा जा सकता है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांच ही पॉइंट है भाई सामने के पेज पे, ये तीन मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से शॉर्ट नोट है। एंड पीछे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इतना कुछ खास है नहीं, बट इसके ऊपर जो तुम्हारा पैराग्राफ है ना वो खास भाई कर लेना, बफर स्टॉक वाला, पहले कितना पॉपुलेशन था, कितना करोड़ उसमें फूड ग्रेन्स था, बाद में कितना हुआ 1950-51 में, और उसके बाद 13-14 का जो सेंसस दिया वो, ये पूरे फिगर्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये भी तीन मार्क में पूछा जा सकता है, बट काफी रेयर क्वेश्चन है ये, और जो मेन मेन इसमें कॉमन है जैसे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग मेथड्स, व्हीट, पैडी, ऑयल सीड्स, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, बेवरेजेस, ये सब चार चार मार्क के लायक हैं, ठीक है, और इसमें से जनरली आता ही है। तो इतने आंसर कर लोगे एटलीस्ट एक तो इसमें से आएगा ही आएगा डेफिनेटली, दूसरा कोई ऑफ ट्रैक आया तो पता नहीं, बट एक तो डेफिनेटली इसमें से आएगा। अब 11 चैप्टर से एक तुम्हारा प्रोजेक्ट आ सकता है इसमें से, मैप फिलिंग में जनरली पूछते नहीं है, फर्स्ट टर्म में आता है बट बॉर्ड में जनरली पूछते नहीं है, ये 13-14 से आता है, बट अगर पूछे तो ध्यान में रखना। अब इसमें भी दो तीन मार्क के कई सारे, सोर्स इज ऑफ वाटर, तो विच इज अ प्राइम सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, रेन वाटर, एंड व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर ऑन अर्थ, रिवर, ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है बहुत बार देखा ही है अपन ने। ग्राउंड वाटर का यूज पूछते हैं, वाटर रिसोर्स एंड यूजेस, तो इरिगेशन कितने परसेंट यूजफुल है, 84%, लेकिन कितना परसेंट हो रहा है, 38%, ये सारी चीजें। अब इसमें उसी इरिगेशन के नीचे सेकंड पेज आप देखो, देयर आर थ्री मीडियम्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, फर्स्ट वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एंड पॉन्ड्स, आउट ऑफ दिस, ये टिक कर लेना, वेल्स एंड कैनल्स आर मेजर मीडियम ऑफ इरिगेशन, वेल्स और कैनल्स में सबसे ज्यादा पानी इसमें से यूज किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए। कैनल्स एंड पॉन्ड्स कम्स एट द सेकंड वन, यानी वेल्स कैनल्स ज्यादातर, कैनल्स वापस से, कैनल्स एंड पॉन्ड्स से सेकंड नंबर पे एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। कैनल इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन दिस वन, गंगा, यमुना, महानदी, ये सब रिवर्स है। इरिगेशन बाय पॉन्ड्स, अब ये लास्ट वाला पॉइंट टिक करना है, इरिगेशन बाय पॉन्ड्स इज प्रैक्टिस मोर इन ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट, डाइजेस्ट में तुम्हारा एक रीजन है, एग्रीकल्चर इज डन थ्रू पॉन्ड्स इन साउथ इंडिया, ये रीजन है, इसमें यही आंसर लिखना है इरिगेशन वाला। देन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये टेक्स्ट बुक से करो वो बेटर है, डाइजेस्ट में थोड़ा एक्सपांड करके दिया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक से ही करने का है, ये नीचे लास्ट चार लाइन में सारे इसके यूजेस दिए, फ्लड कंट्रोल में काम आता है मल्टीपर्पज यानी कि डैम, देन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ड्रिंकिंग इरिगेशन इंडस्ट्री में काम आता है, प्रोवाइड सेटलमेंट्स के लिए पानी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट यानी कि वो जैसे पार्क ये सब बनते हैं ना वो सब, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, इन सब में पानी काम आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन, ये आपको लर्न करना है कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है और कौन कौन से स्टेट्स को बेनिफिट होता है, ये बराबर से आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। Now, this one is very important short note, distribution area under irrigation, ये पूछते हैं भाई, तीन मार्क में भी इसको पूछा जाता है, कर लेने का। इसमें पंजाब वाला है, चार गुना बढ़ गया इंडिपेंडेंस के बाद, पंजाब का 90.8 है, मिजोरम का जस्ट 7.3 है, और 40% से ज्यादा एरिया सोन जो है वो इरिगेशन के थ्रू ही होता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब स्टेट में। बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट नोट है पढ़ने का इसको। अब वाटर क्राइसिस की, पानी की इतनी बोलते ना किल्लत हो गई है, तो क्यों हो गई है, और दूसरा पानी से वाटरबॉर्न डिसीज वगैरह होती है, तो ये टॉपिक है। इट कैन बी आस्क इन फोर मार्क, तुम्हारा डायग्राम में सेकंड आंसर यही है, वाटर क्राइसिस एंड इट्स सॉल्यूशन,
और 4 मार्क में पूछा नहीं जाता, ये 2 मार्क में रीजन से पूछते हैं इसको। तो टेक्स्ट बुक से पहले पढ़ लेना और डायरेक्टली से रीजन कर लेना इसका। मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, क्या कर सकते हैं जिससे पानी ये बचा रहे। तो जहां पे पानी की कमी है वहां पे पानी को डाइवर्ट करो, बड़ी बड़ी रिवर जो पानी में फ्लो करके ओशन में भेजा जाए तो बेटर है, वो पानी को चैनलाइज करना चाहिए ताकि छोटे छोटे गाँव में या एग्रीकल्चर साइट जो है वहां पे कैनल्स के थ्रू पानी को पहुंचाया जा सके। तो ये सब इसमें थोड़ा पॉइंट्स में दिया हुआ है। दूसरा, वाटर इज अ नेशनल रिसोर्स, लास्ट पॉइंट देख लो। पहले हमने देखा वाटर इज अ, तीन तरह के, वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स, वॉट इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड वॉट इज अ नेशनल रिसोर्स। पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? नेशनल। पहला नेशनल, फिर लिमिटेड, और फिर कुछ नहीं है तो नेचुरल, याद रखना। वॉटरशेड डेवलपमेंट, वॉटरशेड डेवलपमेंट यानी क्या होता है? कई सारी जगहों पे पानी जो है बहते बहते आता है स्ट्रीम से या कोई बड़े से वॉटरफॉल से आता है पानी और वह ठहर जाता है पानी, ठीक है, आगे वो बढ़ नहीं पाता है किसी वजह से। तो एक लेक जैसा क्रिएट हो जाता है या पॉन्ड जैसा क्रिएट हो जाता है। तो ये पानी वेस्ट ना जाए तो आजू बाजू के जो गांव के सेटलमेंट्स होते हैं वहां पे चैनलाइज करके वहां का पानी यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट। जनरली ये शॉर्टकट है इसका, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे काम लग सकता है, सॉइल में ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं इसमें, वाटर स्टोरेज में काम करता है, ट्री प्लांटेशन में ये पानी काम लगता है, फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर यानी गार्डन डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पेस्टल एंड जहाँ पे गाय बकरी भैंस चढ़ते हैं तो वहां पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे इसके यूजेस हैं इन पानी का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भाई पानी का जो वेस्ट चला जाता है, जनरली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती है तो वहां पे पानी आता है, टेरेस पे गिरता है, सीधा पाइपलाइन के थ्रू नीचे निकल जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वो पानी को कैसे बचाया जा सकता है और पानी को अपने को यूटिलाइज किया जा सकता है, वो सारे पॉइंट्स हैं इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। 3 मार्क में वाटर हार्वेस्टिंग मेथड पूछते हैं। एंड लास्ट वन, बोर्ड में लास्ट टाइम इस विलेज का नाम पूछ लिया था, बेदाज विलेज। बराबर है, तो ये याद रखना इन लोगों ने क्या क्या किया था। तो आरावली डिस्ट्रिक्ट में ये विलेज है और ये विलेज काफी ज्यादा बंजर था, लेकिन उन लोगों ने एक बार डिसाइड किया कि जो पानी है उसको अपने विलेज से बाहर जाने नहीं देना है। द वॉटर ऑफ द विलेज, ऐसा है ना, वॉटर ऑफ द विलेज, वॉटर द वॉटर ऑफ द विलेज एट द बॉर्डर, बेदाज विलेज सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम बाय वाटर स्टोरेज। जितना भी बरसात का पानी आता था उन लोगों ने छोटे छोटे चेक डैम बनाए, वो जो पानी पहले बह के निकल जाता था वो पूरे पानी को उन लोगों ने स्टोर करने का शुरू किया, और अल्टीमेटली इतना ज्यादा पानी स्टोर करते हो गए कि उनकी फसलों को कभी पानी की कमी नहीं हुई। इतना तो छोड़ो, जो समर क्रॉप्स होते थे ना वो भी अच्छे खासे वो लोग अब उगाते हो गए, क्योंकि पानी बहुत इनके पास बच रहा था तो समर क्रॉप्स वो लोग उगा रहे थे। तो पूरा डिटेल उसमें यही दिया हुआ है, 10 चेक डैम, 25 हेक्टर जगह पे 10 पाइपलाइन खोदी, 154 बीघा ऑफ लैंड, जो नया पूरा वाटर सप्लाई मिला, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ गया 12.5%। कैसे? क्योंकि कैटल्स को भी अच्छा खासा क्रॉप मिलता है ना, तो वो भी अच्छा खासा मिल्क देते थे, ये सब इसमें है। एंड पॉइंट्स भी कंसिडर फॉर वाटर मैनेजमेंट, तो पॉसिबल रिसाइकल करो, रिजर्वायर बनाओ, पानी का वेस्टेज कम करो, वेल्स, ट्यूबलाइट, ट्यूबवेल्स, खेत तलावड़ी ये सब यूज करो, ये सारे पॉइंट्स है इसमें। टॉयलेट, बाथरूम, इन सब में इकोनॉमिकल कम से कम करो, जहां पे जरूरत है वहां पे करो। तो पानी का तो सिस्टम ही है भाई। इंडिया मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स बाय 12 चैप्टर, इस चैप्टर में सारे मिनरल्स के यूजेस ही है, कहां पे यूजेस होते हैं कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। 3 मार्क का तुम्हारा कंटेंट आता है तो जनरली मैप फिलिंग में एक आता है या एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क का आंसर, 2 मार्क में जनरली यूजेस ही आते हैं। अब इसमें आपके देख सकते हो मेटलिक मिनरल, नॉन मेटलिक मिनरल, मिनरल यूजेस, एनर्जी रिसोर्स, ये सब ऑब्जेक्टिव की दुकान लगी हुई है इसमें। ये मैंने मेरी बुक में जो टिक किया है आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है यार। तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो टिक किया ना वो सब मेन मैन है, और वो मेन मैन इतना सारा है ना कि हर लाइन टिक हो गई है, आप देख सकते हो। मतलब मुझे जरूरत नहीं होती टिक करने की, लेकिन टिक करने का मकसद ही है, हर चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही ऐसा है भाई, इसमें बहुत सारा चीजें दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिक कर लो, आयरन ओर वाला है पेज नंबर 97 पे एकदम टॉप पे, आयरन ओर वाला है। मैंगनीज के यूजेस पूछते उसी के नीचे है, कॉपर के यूजेस पूछते उसी के नीचे है। बॉक्साइट में कुछ करेक्शन करवाया था तुम लोगों ने, किया है, ईयर में क्या था 1821 है उसका 1821 करने का भाई। इन सब में ऐसा है ना कि कहाँ पे मिलता है, क्या उसके यूजेस हैं और कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ये मिलता है, वही है और कुछ है नहीं इसमें। फिर माइका के यूजेस पूछते हैं,
पीछे लाइमस्टोन कहाँ पे सबसे ज्यादा आई मीन मिलता है, वो जामनगर में 97% जो स्टोन है उसमें लाइम कंटेंट होता है। फिर कोल फील्ड्स, इंडियन कोल रिजर्व सामने के पेज पे। फिर यहाँ पे पेज नंबर 19 पे देखो, 1866 वाला फर्स्ट ऑयल वेल वाज डग इन आसाम, वो वाला पॉइंट नाहरपंग, नाम लिखवाया था मैंने, चल जाना दो। फिर ऑयल फील्ड, पांच तरह की ऑयल फील्ड के नाम, दो मार्क में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया डिवाइड इनटू फाइव जोन्स, ऑयल फील्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात, ऑयल फील्ड ऑफ बॉम्बे हाई, ऑयल फील्ड ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑयल फील्ड ऑफ राजस्थान। ये पांच भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिनरल रिफाइनिंग में तो ये सब तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव खाली आएगा इसमें से। सोलार एनर्जी वाला भाई कर लेने का, पीछे पेज नंबर 100 पे सोलार एनर्जी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है इसमें। गेडा वगैरह इन सबका फुल फॉर्म पूछा जाता है। छन्नी कोल स्टोरेज का है 10 टन, यानी कि 10,000 किलो का यहाँ पे कोल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को स्टोर किया था जो कि सोलार पे चलता है। वो माधवपुर में सबसे बड़ा, माधवपुर भुज में सबसे बड़ा सोलार पावर प्लांट है वहां पे। विंड बायोगैस का पूछते हैं, बायोगैस में से क्या मिलता है, तो फ्यूल एंड एनर्जी, यानी एनर्जी एंड मैन्योर, ये दो चीजें मिलती है एज अ बाय प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, गुजरात नंबर 2 पे है बायोगैस प्रोडक्शन में। जियो थर्मल, टाइडल, ये सब है। मिनरल रेमिडीज फॉर मिनरल प्रिजर्वेशन, तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज करो, रिसाइकल करो, ऑल्टरनेट यूज ढूंढो, नॉन कन्वेंशनल मीन्स को यूज करो, यानी सोलार विंड इन सबको यूज करो ज्यादा। सस्टेनेबिलिटी, यानी हमको हमको तो यूज करना ही है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है, और प्रॉपर प्लानिंग से करो। तो भाई ये चैप्टर में शॉर्ट नोट के नाम पे कुछ है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे। फोर्थ चैप्टर जिनमें जैसा ऑब्जेक्टिव्स है ना, वैसे ही सब ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इजी टू रिमेम्बर, शॉर्ट नोट इजी है इसमें। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें इंडस्ट्री है, 3-3 मार्क की शॉर्ट नोट इसमें जरूर से पूछी जाती है, और मैप फिलिंग में एक आता है। देखो अगर 3 मार्क की शॉर्ट नोट नहीं आई ना, तो वो शॉर्ट नोट 2 मार्क में पूछेंगे, बट एक इंडस्ट्री जरूर से पूछी जाती है मैप फिलिंग में। 3 मार्क का इसका कंटेंट है, ठीक है, 3 या 4 मार्क का ऐसा कुछ है। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, इंडस्ट्री की 2 तरह की होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो यानी जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रियली एग्रीकल्चर से आते हैं उसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और अपना मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो आयरन, कॉपर ये सब यूज होते हो, उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इन सबसे पहले यहाँ पे सबसे नीचे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको टिक कर लेना, ये 3 मार्क में पूछी जा सकती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पूछी जाती है, सिल्क भी पूछी जाती है, 2-2 मार्क में। वुलन सिंथेटिक शुगर का, शुगर का एक रीजन है व्हाई शुगर इंडस्ट्रीज आर नियर बाय शुगर कर्न ग्रोइंग सेंटर्स, ये मुद्दे है। तो रीजन क्या था, 24 आवर्स में शुगर केन में से हार्वेस्टिंग करने के बाद उसका जूस निकाल देना पड़ता है, वरना वाटर कंटेंट कम हो जाता है, वो रीजन एक है उसमें। पेपर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से स्टेट में है वो सब है। मिनरल बेस में आयरन एंड स्टील शॉर्ट नोट लर्न करनी है, 3 मार्क में पूछ सकते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका मैप फिलिंग भाई देख लेने का है, मैप फिलिंग दुर्गापुर, देन रोड़खेरा, भिलाई, ये सब जमशेदपुर, बर्नपुर, ये सब में से आएगा। फिर एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब में भाई पढ़ने का है, बहुत है, दुनिया भर का है। एक एक केमिकल इंडस्ट्री, और उससे इंपॉर्टेंट केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर वाला खास करने का, 2 मार्क में केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पूछते हैं। फिर सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब ऑब्जेक्टिव। रेलवे, ऑब्जेक्टिव रेलवे में से मैप फिलिंग में पूछते हैं भाई, महाइजम है, देन ये वाराणसी टाटा लोकोमोटिव वर्क, पेरमपुर, बेंगलुरु, कपूरथला, कोलकाता, जहाँ पे सब कोचिज वगैरह बनते हैं ये सब। फिर रोड व्हीकल में नंबर, ये सब इंडिया का नंबर 5th आता है। प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल में ट्रैक्टर साइकिल दुनिया भर में अपने जाने देते हैं, बेचते हैं। शिप बिल्डिंग में विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मार्मागोवा, ये सब पब्लिक सेक्टर में आता है। कोची और विशाखापट्टनम सबसे बड़े बड़े लार्जर साइज के शिप्स बनाते हैं, प्राइवेट डॉकयार्ड्स होती है, वो बाकी की नीड्स प्रोवाइड करती है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव, पवन हंस प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ONGC एंड गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट इसमें है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री 1905 में बनी थी, बेल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, 1956 में बेंगलुरु में शुरू किया था। आकाशवाणी और वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, इसरो के लिए ये प्रोवाइड करते हैं इक्विपमेंट्स, ये सब इसमें पॉइंट्स हैं। देन बेंगलुरु सिलिकॉन वैली बोला जाता है इंडिया का, ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है बहुत ज्यादा। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, 4 तरह के पॉल्यूशन होते हैं जनरली, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, उसको एक्सप्लेन करना है। और ऑब्वियसली इंडस्ट्री तो 24 घंटे चलती रहती है, तो ये सारे पॉल्यूशन तो क्रिएट होते ही हैं।
तो क्या हो सकता है इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कैसे है और इसको कम करने के लिए, तो लास्ट में यहाँ पे दिया रेमेडीज टू कर्व एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो 3 पॉइंट जो लास्ट थर्ड लाइन में देख लो, टिक कर लेना नहीं किया तो, फिल्टर, स्क्रबर एंड प्रेसिपिटेटर, ये 3 चीजें होनी चाहिए जो एयर की क्वालिटी को थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, लास्ट थर्ड लाइन में उस पैराग्राफ में नीचे, फिल्टर, स्क्रबर एंड प्रेसिपिटेटर, सेंटर में ही दिखेगा लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट थर्ड लाइन। तो इसमें से मैप फिलिंग में भाई बहुत कुछ है, आप जितना भी देखोगे हर एक में से कुछ भी मैप फिलिंग में पूछ सकते हैं, जूट इंडस्ट्री पूछ सकते हैं, वाटर वुलन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैप फिलिंग तो अपन ने किया है तो अच्छा है। एंड 14 चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ट्रेड, इसमें भी काफी कम 2 या 3 मार्क का ये पूछा जाता है, इसमें से एक रेल रूट या तो वाटर रूट ये जरूर से पूछा जाता है, कभी कभी अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हो तो एयर रूट पूछेंगे। अब रेल रूट और इसका तो पता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, बट एयर रूट अगर पूछे तो क्या करोगे, सीधा स्केल से स्ट्रेट लाइन, मुंबई टू दिल्ली पूछे, दोनों पॉइंट को लोकेट करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि हवाई जहाज सीधा सीधा ही जाने वाला है, वो घुमा फिरा के नहीं जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन पहला है, तो कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन है, पहले के टाइम पे तो लोग चल चल के जाते थे, हाथी पे जाते थे, कैमल पे जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे, बट अब इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि सब व्हीकल्स वगैरह अवेलेबल हो गए हैं। रोड में इंडिया का नंबर कौन सा भाई, थर्ड, पहला कौन यूएसए, सेकंड कौन चाइना, तीसरे अपने, रेलवे में अपना सेकंड, पहला कौन, अबे यूएसए, यूएसए दोनों में पहला ही है। फिर नेशनल हाईवे का पूरा शॉर्ट नोट है, जनरली पूछते नहीं है बट इसमें ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, सबसे नेशनल लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, 44, कहां से कहां, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। फिर स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है, बॉर्डर रोड है, कौन मेंटेन करता है ये पूछते हैं, नेशनल हाईवे कौन मेंटेन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट, विलेज का, ग्राम पंचायत मेंटेन करती है, बॉर्डर रोड कौन करता है, बीआरडीओ, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था स्नो वगैरह क्लियर करने के लिए। फिर ये द्रुत गति मार्ग, टिकल लेना, एक्सप्रेस हाईवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, द्रुत गति मार्ग बोलते हैं एक्सप्रेस हाईवे को, अहमदाबाद बड़ोदरा का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम है भाई दुनिया भर की, ये तो खुद भी पता है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। फिर रेलवे में इंडिया का नंबर थर्ड है, सबसे पहले रेलवे मुंबई थाने के बीच में 1853 में, 3 तरह के गेजेस होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, अब बाकी सब निकाल दिए और कौन सा गेज बच गया, खाली ब्रॉड गेज, बाकी मीटर और नैरो गेज निकाल, जो विड्थ होती है ना ट्रैक्स की, अब से ब्रॉड गेज है हर जगह इंडिया में, तो काफी अच्छा हो गया, सारी ट्रेन अवेलेबल हो सकती है एक ही जगह से। मेट्रोज आ गए हैं कई जगह पे, जैसे कि अहमदाबाद है, गांधीनगर में मेट्रो आ गए, मोनोरेल्स है, मोनोरेल यानी जो लोकल्स बोलते हैं ना सब में मुंबई में, तो वो सब है। कोंकण रेलवे में तो टनल बन गए हैं। फिर सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट किसका, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, क्या कौन सी ट्रेन दौड़ती है, विवेक एक्सप्रेस, बराबर, ये सब ऑब्जेक्टिव भाई करना है। देन वाटरवेज, तो 2 तरह के वाटरवेज होते हैं, इंटरनल यानी कंट्री के अंदर, ओशियनिक यानी कंट्री टू कंट्री। तो ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग स्टेट में होता है, जिसमें 5 तरह के वाटर वे आपको याद रखने हैं। नेशनल वाटर वे 1 गंगा रिवर में हल्दिया से अलावा 1620 सबसे लंबा वाटर वे है ये। देन नेशनल हाई वाटर वे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर में धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर है। देन नंबर 3 वेस्ट कोस्ट कैनल पे है, कोल्लम से कोट्टापुरम साउथ में जस्ट 250 किलोमीटर है, सबसे छोटा वाला है ये। गोदावरी में 4th नंबर काकीनाडा से पुडुचेरी 1078 पे किलोमीटर लंबा है। एंड फिर ब्रह्मानी रिवर पे गोइंगाली से तालचेर तक जो 588 किलोमीटर का है। पांचों 5 मैप फिलिंग के लिए करना है आपको, और मैंने अलग से मैप भेजे थे तो उसमें पांचों 5 अंदर डिस्क्राइब किए हुए अच्छे से, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने भेजे थे देख लेना। ओशियनिक वाटरवे दुकान लगी हुई है, कई सारे पोर्ट्स, कांडला कैसा पोर्ट है इंडिया का, आई मीन गुजरात का, लार्जेस्ट। पोरबंदर क्या है, फ्री पोर्ट। भावनगर में क्या है, ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम, ये सब याद रखना है। कौन सा पोर्ट डेवलप हो रहा है अभी, ओशितरा। सबसे पहली एयरमेल सर्विस कहां से शुरू हुई थी, अलाहाबाद से नैनी, क्या बोलते थे उसको, एयरमेल सर्विस, आज उसको क्या बोलते हैं, एयर इंडिया। टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, 127, जैसे 15 इंटरनेशनल और 87 डोमेस्टिक है, ये भाई बढ़ गए हैं लेकिन अभी बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन ये पहले का कोर्स है इसलिए यही रखना है। 27 सिविलियन एयरपोर्ट टर्मिनल्स हैं वहाँ पे अलग अलग जगह पे, ONGC हेलीकॉप्टर सर्विस ये सब है। पाइपलाइन में तो ऑयल पाइपलाइन ये सब है, गैस प्रोडक्शन ये सब करते हैं जगहों से भाई, ये खास कर लेने का पूछते हैं। रोपवे तो कहाँ कहाँ पे, रोपवे तो 100 से भी ज्यादा रोपवे है इंडिया में, कुल्लू मनाली चेरापुंजी हरिद्वार दार्जिलिंग में है,
अपने गुजरात में पावागढ़ सापुतारा अंबाजी में है और गिरनार में चालू किया गया है। वहाँ कम्युनिकेशन तो रेस्क्यू वर्क में फ्लड ड्रॉ साइक्लोन सुनामी इन सब में कम्युनिकेशन काफी ज्यादा काम आता है। टेलीफोन टेलीग्राफ ये सब पहले के टाइम पे ढोल ड्रम स्मोक पिजन इन सब के द्वारा होता था, बट अब तो मेल सर्विस टेलीग्राफ टेलीफोन मोबाइल फोन स्मार्टफोन सैटेलाइट ये सारी चीजें यूज होती है। दो तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं इंडिविजुअल या मास कम्युनिकेशन। तो इंडिविजुअल में तो ईमेल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो गया, ये सब हो गया। तो आज तो आप देखोगे हर छोटे छोटे विलेजर के पास भी मोबाइल फोन ये सब अवेलेबल है, तो काफी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। मास कम्युनिकेशन में तो दो तरह का आता है, एक तो प्रिंट मीडिया ना दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर देन पैम्पलेट्स मैगजीन फॉर्टनाइटली ये सब आएगा जो पढ़ने पढ़ा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरनेट हो गया देन मोबाइल हो गया ये सारी चीजें इसमें आती है। 415 तो रेडियो स्टेशन है, 23 लैंग्वेजेस में रेडियो का प्रदर्शन किया जाता है पूरे इंडिया में। सैटेलाइट में तो इनसेट सैटेलाइट है, दूरदर्शन सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग ये सब सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, उसके अलावा GSLV भी आता है। किसी को फुल फॉर्म पता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। जैसे PSLV होता है ना, PSLV कुछ हाइट तक ही वो सैटेलाइट को पहुंचा सकता है, जबकि GSLV लंबे डिस्टेंस तक 35,786 किलोमीटर तक ऊपर वो पहुंचा सकता है सैटेलाइट को। बेसिकली इट्स अ स्पेस शटल जो सैटेलाइट को पहुंचाने के काम में आता है। तो दो होते हैं GSLV एंड PSLV, ठीक है। देन ट्रेड तो दो जात के ट्रेड होते हैं, इंटरनल इंटरनेशनल। इंटरनल ट्रेड कंट्री कंट्री के बीच में, इंटरनेशनल यानी कि दो कंट्रीज के बीच में। एग्जांपल्स कई सारे हैं तो वो देख लेने का। अगर कंट्री का ट्रेड बैलेंस, अपनी कंट्री का ट्रेड बैलेंस कैसा है? नेगेटिव में ही चल रहा है अपना। तो जब ट्रेड एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, और जब इम्पोर्ट ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। इंडिया का जनरली नेगेटिव ही रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से काफी ज्यादा अपना भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अपने इंपोर्ट क्या करते हैं और एक्सपोर्ट क्या करते हैं सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो आपको लर्न करना है, ठीक है। तो दीज आर द समरीज ऑफ दिस चैप्टर 8 to 14। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 11 से लेकर 14 तक में बड़ी बड़ी कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, सब छोटी ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, जो कि इसका कंटेंट भी काफी कम है, बट आएगा तो इसमें से काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट कॉर्नर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अच्छे से अच्छे मैंने जो PDFs भेजी है 50-50 मार्क की इंडिविजुअल चैप्टर्स की, उसको रिफर करना, पता है गूगल ड्राइव का भेजा था उसमें वो करने का।